नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई कोरोना के बारे में, कोरोना अपडेट के बारे में बात करेंगे 8 कंट्रियों के बारे में। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये आपको पता भाई चैनल गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड होता है, तो हम सभी गल्फ कंट्रीज जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और साथ में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन के बारे में भी बात करेंगे कि भाई आंकड़े कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या इनकी स्थिति है, और हर 7 दिन से इसको रिपीट किया जाएगा ताकि आपको इसका नॉलेज मिलता रहे कि आंकड़े 7 दिनों में कितने घटे कितने बढ़े। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया से रिलेटेड। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं हम इंडिया के बारे में। जी हां भाई, इंडिया का आपको पता है, इंडिया का वर्ल्ड अगर वर्ल्ड वाइज बात करें तो हर चीज़ में 4th नंबर आ चुका है। मौतों के मामले में भी ज़्यादा हो रही हैं और केस के मामले में अगर बात करें तो 4th नंबर पे इंडिया आ चुका है। जी हाँ, अभी केस की बबात करें तो पिछले 24 घंटे में बता दूं 3,80,000 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं 28 अप्रैल की अगर बात करें तो। जी हाँ, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि भाई 2,70,000 जो पेशेंट थे उनकी रिकवरी हो चुकी है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। एक दिन में 2,70,000 लोगों को रिकवर कर लिया गया। जी हाँ, डेथ की बात करें तो भाई सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 3,646 डेथ हुई हैं, 3,646 अभी तक एक दिन की मौत है पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो। जी हां, बाकी आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं नो डाउट, इस पे अलग से भी हम जानकारी देंगे आप लोगों को। अगर आप अभी इंडिया की टोटल अगर बात करें कि भाई टोटल केस की बात करें, जी हां, तो मैं बता दूं साथियों 28 अप्रैल 2021 तक की बात करें तो 1,83,68,096 केस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, इनमें से अगर डेथ की बात करें तो बता दूं 2,04,812 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है कोरोना की वजह से। जी हाँ, इंडिया की बात करें तो रिकवरी की बात करें तो भाई तो साथियों मैं बता दूं 30 लाख से ऊपर अभी भी इंडिया में एक्टिव केस चल रहे हैं। जी हाँ, तो भाई एक्टिव केस बहुत ज्यादा हैं, इसको रिकवरी होते होते मुझे नहीं लगता कि 5-6 महीने पहले ये इसको समाधान हो पाएगा। जी हाँ, आगे हम बात कर लेते हैं वीए से रिलेटेड। भाई वीए की अगर बात करें 28 अप्रैल 2021 तक की, तो उसमें मैं बता दूं आंकड़े, हालांकि वीए में कंट्रोल कर लिया गया, आपको सबको पता है कंट्रोल करने की वजह से ही इंडिया की फ्लाइटें भी बैन कर दी, क्योंकि इंडिया में कोरोना एकदम अच्छी तरीके से बूम कर रहा है। जी हाँ, यहां की अगर बात करें वीए की तो बता दूं 5,16,301 अभी तक पॉजिटिव केस एक्टिव केस आए थे, उसमें से डेथ की बात करें तो बता दूं 1,580 डेथ। जी हाँ, 1,580 लोगों की अभी तक डेथ हुई थी वीए की बात करें तो। रिकवरी भी भाई ठीक है, लगभग 5 लाख के करीब रिकवरी है, तो ज्यादा केस है नहीं। एवरेज देखा जाए तो लगभग 21-22 हज़ार के करीब अभी तक एक्टिव केस हैं, बाकी रिकवरी कर लिया गया है। जी हाँ, वीए का अच्छा सिस्टम है भाई। आगे हम बात कर लेते हैं कुवैत से रिलेटेड। भाई कुवैत ने भी इंडिया की आपको पता है फ्लाइटें बैन कर रखी रखी है, इंडिया की क्या बहुत सारे देशों की बैन ही करके रखी है कुवैत ने। अभी कुवैत की बात करें तो 2,71,145 केस अभी तक एक्टिव केस आए थे। जी हाँ, अगर डेथ की बात करें तो लगभग 1,546 लोगों की अभी तक कुवैत में डेथ हो चुकी है, यानी वीए में 5 लाख से ऊपर आंकड़े आए थे उसमें भी 1,580 लोगों की डेथ हुई है, और कुवैत में 2,71,000 यानी आधे केस हैं तो भी 1,596 यानी डेथ रेशियो बराबर है। आंकड़े को मरीजों का आंकड़ा देखा जाए तो आधे आधे का डिफरेंस आ रहा है। जी हाँ, रिकवरी की बात करें तो 2,54,223 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, इसमें भी ठीक है 15,000 के करीब आसपास आंकड़े आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। कतर की बात कर लेते हैं भाई। कतर में अभी तक अगर आंकड़ों की बात करें तो टोटल आंकड़े 2,04,289 केस अभी तक केस पाए गए हैं 28 अप्रैल 2021 तक की। अगर डेथ की बात करें तो सबसे कम डेथ रेशियो है भाई, मात्र 445 अभी तक लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। जी हाँ, इसमें भी रिकवरी की बात करें तो ठीक है 1,86,318 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। जी हाँ, तो ज्यादा आप नहीं मान सकते हैं, यानी 20-21 हज़ार के करीब आंकड़े ऐसे हैं जो एक्टिव केस अभी तक चल रहे हैं। जी हाँ, अभी 5 नंबर पे बात कर लेते हैं भाई पाकिस्तान। जी हाँ भाई, पाकिस्तान की अगर बात करें तो लगभग केस आए हैं 8,10,231 केस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, इसमें डेथ रेशियो की बात करें तो बता दूं 17,530 लोगों की अभी मौत हुई है। जी हाँ, और इसमें रिकवरी की बात करें तो लगभग 7,04,094 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, यानी आप मान सकते हैं 1,10,000 से ऊपर अभी एक्टिव केस पाकिस्तान में गवर्नमेंट आंकड़ों के अनुसार बताए गए हैं। बाकी अभी अगर देखा जाए तो 25-26 अप्रैल के बाद में वहां पर भी आंकड़े बढ़े हैं और अचानक से मौतें होने लगी हैं। जी हाँ, सऊदी अरबिया की हम बात कर लेते हैं भाई। आगे सबसे पहले सऊदी अरबिया की बात करें तो बता दूं 4,15,281 अभी तक
एक्टिव केस सऊदी अरबिया में पाए गए हैं। अगर डेथ रेशियो की बात करें तो बता दूं 6,935 लोगों की अभी तक सऊदी अरबिया में मौत हो चुकी है। रिकवरी की बात करें तो लगभग 4,00,000 के करीब अभी तक रिकवरी हो चुकी है। जी हां, तो भाई ज्यादा आंकड़े एक्टिव केस इसके नहीं मान सकते, लगभग 16,000 के करीब एक्टिव केस सऊदी अरबिया में है। हालांकि सऊदी अरबिया ने भी भाई सख्त लॉकडाउन लगा के रखा है, अभी भी इंडियन वगैरह और भी बहुत सारे देशों को बैन करके रखा है। जी हाँ, ओमान की बात करें भाई तो ओमान में बता दूं 1,92,326 केस अभी तक एक्टिव केस पाए गए थे। जी हाँ, अगर डेथ रेशियो की बात करें तो लगभग 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है ओमान में, और रिकवरी की बात करें तो 1,71,848 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। जी हाँ, तो रिकवरी में भाई देखिए ज्यादा एक्टिव केस की बात करें तो लगभग बता दूं ज्यादा एक्टिव केस नहीं है, लगभग 20,000 के करीब ही एक्टिव केस हैं ओमान में, तो ठीक है स्थिति। बहरीन की बात कर लेते हैं भाई, बहरीन में बता दूं एक्टिव केस 1,74,659 केस अभी तक एक्टिव केस पाए गए हैं। इसमें डेथ रेशियो की बात करें तो भाई 632 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है बहरीन में, और रिकवरी की बात करें तो 1,63,937 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। जी हाँ, तो ये मान सकते हैं 9-10,000 के करीब एक्टिव केस हैं बहरीन में, इसीलिए भाई बहरीन ने और कतर ने इंडिया की फ्लाइटें बैन की है। बाकी खाड़ी देशों में सब देशों ने इंडिया के लिए फ्लाइटें बैन करके रखी है, और पाकिस्तान की भी फ्लाइटें बैन करके रखी है। इसमें देखिए ड्रावने आंकड़े भाई इंडिया के आ रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता इतना जल्दी रिकवरी इसको कर पाएंगे, इसीलिए सब देश ये चाहते हैं भाई जहां हमें हमारे आंकड़े ठीक है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मुझे लगता है भाई देखिए अप्रैल खत्म हो चुका है, मई जून जुलाई, अभी 18 साल से जो ऊपर वाले टीके हैं वो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है, इस पर हम अलग से कोशिश करेंगे आपको जानकारी देने की। मई जून जुलाई और अगस्त तक आप उम्मीद कर सकते हैं 3 महीने के बाद में कि इंडिया का कुछ सुधार हो सकता है, बाकी स्थिति खराब है। क्योंकि जो आंकड़े 4,00,000 के करीब पहुंच गए उसको एकदम से डाउन करने में समय लगता है, आपको सबको पता है। इंडिया में कहाँ 1,00,000 का आंकड़ा 2020 में चल रहा था आपको पता है, तो आंकड़े 1,00,000 से 40,000 तक आने में 1 साल का समय लग गया था इंडिया में, सबको पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी। तो यहाँ तो 4,00,000 का आंकड़ा पहुँच गया, तो आपको हाँ ठीक है वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ा जल्दी इसको रिकवर कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम लगने वाला है। तो ये जानकारी मैंने 8 कंट्रियों के बारे में बताई है। अगर आप किसी भी देश के बारे में और अपडेट लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि उस पर रिसर्च करके हम आप लोगों के साथ वो जानकारी शेयर कर सकें। आज की जानकारी बस इतना ही, नेक्स्ट 7 दिन के बाद में इसी से रिलेटेड हम और भी वीडियो बनाएंगे, ये आंकड़े भी साथ में रखेंगे, बाकी 7 दिन के बाद में और आंकड़े जो नए आते हैं वो भी रखेंगे, उसमें पता लगेगा भाई आज जो आंकड़े 29 अप्रैल को मैंने बताए, 28 अप्रैल की बात करें तो कि भाई ये आंकड़े इतने हैं, तो 7 दिन के बाद में कौन से देश में आंकड़े कम हुए हैं, घटे हैं, बढ़े हैं, मौत कितनी हुई है, नहीं हुई है, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।